अर्रहमान रहीम स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिशेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला बाजवा। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ द सैम्पल साइज कैलकुलेशन। हाउ वी कैलकुलेट द सैम्पल साइज, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द सैम्पल साइज, व्हाट आर द वेरियस वेज टू कैलकुलेट द सैम्पल साइज, विच फार्मूलाज यू शुड यूज टू कैलकुलेट योर सैम्पल साइज, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सैम्पल साइज, एंड दिस एंड दैट। दिस इज बेसिकली दिस इज द आउटलाइन ऑफ टुडे प्रेजेंटेशन। सो व्हाट इज सैम्पल साइज, आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू। व्हाट इज सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन, हाउ लार्ज अ सैम्पल डू आई नीड, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स। सो दिस इज द आउटलाइन, जस्ट रीड इट एंड मूव। नाउ आई मूव फॉरवर्ड। सो द टेक होम मैसेज एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, यू शुड नो द सिग्निफिकेंस ऑफ द सैम्पल साइज। नंबर वन, हाउ टू डिटरमाइन द सैम्पल साइज। टू, देन वी आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सैम्पल साइज एंड यूज सैम्पल साइज इन अवर रिसर्च स्टडी। किस तरीके हम यूज़ कर सकते हैं। तो सैम्पल साइज बेसिकली क्या है, ये स्लाइड्स लिखी हुई हैं, जस्ट स्लाइड्स जो होती हैं वो अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो हम कह रहे हैं वो अगले ऑडियंस जो है वो उस बात को समझ सके। तो बेसिकली सैम्पल साइज क्या है, आप एक पॉपुलेशन है उसमें से कुछ पोर्शन ले लेते हैं रिसर्च पर्पज़ के लिए, अज्यूमिंग डैट द सैम्पल विल शेयर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द होल पॉपुलेशन, उसे हम कहते हैं सैम्पल साइज। कि अगर 1,00,000 बंदा है, सारों पे तो रिसर्च नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि उनमें से 10,000 पॉपुलेशन ले लेते हैं। तो वो 10,000 के ऊपर जो रिज़ल्ट आते हैं वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि सारी पॉपुलेशन का वो रिज़ल्ट है। तो इसको कहते हैं सैम्पल साइज़ कहते हैं। और हमें सैम्पल साइज़ क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हमने डिफरेंट रिसर्चेस कंडक्ट करने होते हैं, डिफरेंट सर्वेस करने होते हैं। तो 8 अरब आबादी है, तो 8 अरब को ही हम रिसर्च के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। सेंसस के अंदर सारे इंक्लूड होते हैं, लेकिन सेंसस कहते हैं मरदमशुमारी को, उसमें सारे इंक्लूड होते हैं, लेकिन रिसर्च के अंदर हम सारों को इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज इतना टाइम ही नहीं है सारों पर रिसर्च करने। सेकंड थिंग इज़ दैट अट्रीशन का प्रॉब्लम आ जाता है। थर्ड, बजट का मेन प्रॉब्लम है। और 4, डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा है कि अगर हम पूरी पॉपुलेशन को इंक्लूड करें। तो हम उसमें से एक पॉपुलेशन के चंक में से थोड़ा सा हम हिस्सा ले लेते हैं ताकि हम अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकें। सो बेसिकली सैम्पल साइज़ क्या है, दिस इज़ अ सब पॉपुलेशन टू बी स्टडीड और इन ऑर्डर टू मेक एन इंफरेंस टू अ रेफरेंस पॉपुलेशन। जो हमने एक पॉपुलेशन थी उससे हमने रेफरेंस उसका ले लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पॉपुलेशन है उसमें से हमने कोई सैम्पल साइज़ लिया है और उसके ऊपर रिसर्च की है। तो हम अब कोई भी चीज़ बात करेंगे तो उस सैम्पल के हवाले से बात नहीं करेंगे, अब हम उस पॉपुलेशन के हवाले से बात करेंगे, बिकॉज हमने सैम्पल को अज्यूम किया था कि ये पॉपुलेशन का ही हिस्सा है। जारी सारी बात है। अब सैम्पल साइज़ आपका क्या होना चाहिए, कि सैम्पल साइज़ आपका ऑप्टिमल सैम्पल साइज़ होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज सेट द अपर लिमिट ऑफ द सैम्पल साइज़। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो रिसोर्सेज की, तो आप कोशिश करेंगे अपनी कि हमारा सैम्पल जो है वो साइज़ जो है वो छोटे से छोटा हो, ताकि हमारे पास बजट की शॉर्टेज है। और एक्यूरेसी जो है, अब देखें कि अगर आप 10,00,000 बंदे हैं उनमें से 5,00,000 को एग्जामिन करेंगे तो आपके पास ज़्यादा डाटा होगा, आप कोई चीज़ ज़्यादा ऑथेंटिकली आप बात अपनी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप 10,00,000 में से 10,000 को करेंगे तो आपकी जो रिसर्च है वो कमज़ोर होगी, वीक होगी बिकॉज आपने ज़्यादा पॉपुलेशन को स्टडी नहीं किया, तो आपने सिर्फ वो 10,000 को किया है जिसकी वजह से आप अपने इन्फ्रेंसिस दे रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल साइज़ होना चाहिए ताकि एरर कम से कम हो, लेकिन ज़्यादा सैम्पल साइज़ हम रख नहीं सकते क्योंकि बजट का प्रॉब्लम है। सो हम एक इन बिटवीन सूरत हाल ले आते हैं कि ना सैम्पल साइज़ कम हो ना ज़्यादा हो। अब ये उसकी एग्जांपल है कि पॉपुलेशन ए है 10,000 की, सैम्पल साइज़ हमने लिया 1,000, और पॉपुलेशन बी है 5,000 की, सैम्पल साइज़ लिया 750। तो एक्यूरेसी रिजल्ट्स की किसकी ज़्यादा होगी, जो हमने सैम्पल 15% लिया, बिकॉज 15% के अंदर हमें ज़्यादा ऑथेंटिकली हमें डाटा ज़्यादा मिलेगा। हम उसको उसकी स्टैटिस्टिकल इवेलुएशन कर सकते हैं, एनालिसिस करेंगे, तो एक्यूरेट डाटा जो हमारे पास होगा वो पॉपुलेशन बी का ज़्यादा होगा। तो नीचे क्वेश्चन है, विच सैम्पल हैज़ द लेस स्टैंडर्ड एरर एंड द बेटर क्वालिटी। तो ये जो सैम्पल बी है या पॉपुलेशन बी का जो हमने सैम्पल निकाला है, इसके अंदर एरर आने के चांसेस कम है, बिकॉज एरर को मिनिमाइज़ करना हो तो पॉपुलेशन का साइज़ ज़्यादा ले लेते हैं। देन वी हैव द अब सैम्पल साइज हम डिटर्मिनेशन, व्हाट इज सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन। बेसिकली इट इज़ अ मैथमेटिकल एस्टिमेशन ऑफ द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट्स और यूनिट्स इंक्लूडेड इन अ स्टडी। कि आप कितने बंदे रिसर्च के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, ये सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन। क्यों करते हैं वो आपको बता दिया, रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए हम करते हैं, अपनी एक्यूरेसी को ठीक करने के लिए करते हैं, अप्रोप्रिएट हमारा एनालिसिस हो, और सिग्निफिकेंस जो वैलिडिटी ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट है उसको हम चेक कर सकें। तो इस वजह से हम सैम्पल साइज डिटरमाइन करते हैं। अब आपको कितना सैम्पल साइज़ चाहिए, हम पहले ही बात कर चुके हैं
हम ना बहुत ज़्यादा सैंपल ले सकते हैं, सैंपल साइज़ कर सकते हैं, ना बहुत कम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने विटामिन डी लेवल की प्रेवलेंस ऑफ द विटामिन डी डेफिशिएंसी अमंग द मेल एंड फीमेल्स ऑफ द 40 to 50 ईयर्स ऑफ द एज इन सरगोधा। अब 40 से 50 साल में कितने हज़ारों बंदे करेंगे, अब एक बंदे ए विटामिन डी के अभी जो करंट टेस्ट है एक आम लेबॉर्टरी से वो 2500 का है। अगर आप 10,000 का करवाने लगें तो आपका कितने ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, तो आप तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें सैंपल साइज़ क्या चाहिए, सैंपल साइज़ हम मिनिमम कर लेंगे ताकि हम अफोर्डेबिलिटी में ले आएँ। तो अगर बहुत कम सैंपल साइज़ होगा तो आपके रिज़ल्ट जो है उनके अंदर फॉल्ट आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इवन अ वेल कंडक्टेड स्टडी मे फेल टू आंसर इट रिसर्च क्वेश्चन, अगर आपका सैंपल साइज़ ही बहुत छोटा है। और ये दूसरे भी फॉल्ट्स लिखे हुए हैं, ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेने, बिकॉज आई मूव फास्टली फ्राम द प्रीवियस लेक्चर्स, क्योंकि वो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो उसको शॉर्ट करने के लिए आप ये पढ़ लीजिएगा कि दूसरी क्या क्या मसले हैं, वो आपको पहले मैंने बता भी दिए हैं। और अगर सैंपल साइज़ बहुत ज़्यादा होगा तो एक तो टाइम की किल्लत हो जाएगी, दूसरा एक्यूरेसी आपके पास लॉस होने का खर्चा, क्योंकि जल्दी जल्दी आप काम करेंगे। दूसरा, तीसरा ये है कि अवेलेबल केसेस, रेयर अगर डिजीज़ हैं उनके तो पेशेंट ही बहुत कम होते हैं। तो अगर सैंपल साइज़ लार्ज लेंगे तो वो तो आपके पॉपुलेशन या जो पेशेंट आपने सेलेक्ट करने थे वही नहीं पूरे होंगे, तो आप रिसर्च कैसे कंडक्ट करेंगे। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़, अगर सैंपल साइज़ बहुत बड़ा है तो आपको डाटा कलेक्शन करने में भी मुश्किल होगी, तो डिफ़िकल्ट होगी रिसर्च आपकी, और कॉस्टली तो होगी, जिस तरीके विटामिन डी की मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। तो आप देखें, हैंस ऑप्टिमम सैंपल साइज़ मस्ट बी डिटरमाइंड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द स्टडी। अब जो मेन बात आ जाती है, वीडियो का मेन हिस्सा यहाँ से शुरू हुआ है कि आप किस तरीके सैंपल साइज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं फार्मूला, रेडीमेड टेबल भी होते हैं रेडीमेड टेबल भी होते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, नोमोग्राम्स होते हैं उनसे भी, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से भी। नाउ अ डेज मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास यूज़ होते हैं वो फार्मूलाज यूज़ होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अब आउटडेट कर गए हैं, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर मैथड्स। अब सैम्पल साइज़ को जब आपने कैलकुलेट करना है तो आपको 3 फैक्टर्स पहले पता होने चाहिए। एस्टिमेटेड प्रेवलेंस ऑफ द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी आपने कोई काम करना है तो उससे पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको प्री नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में। तो सैंपल साइज़ कैलकुलेशन करने से पहले आपको डिज़ायर्ड लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस आपको पता होना चाहिए, मार्जिन ऑफ एरर आपको पता होना चाहिए कि कितना मार्जिन ऑफ एरर है मेरा, कि इतना एरर मेरी स्टडी में आ सकता है। कॉन्फिडेंस, डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करें, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैंने ड्रॉ की है, तो अगर मेरा 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है तो मैं ये शॉर्टी के साथ कर सकता हूँ कि जितना मेरा डाटा फॉल करेगा वो इन बिटवीन, इन दो लाइंस के बिटवीन फॉल करेगा, ठीक है। तो ये है मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अगर 95%, और 5% चांस है कि वो मेरा इस साइड पे इन लाइन से अवे, मतलब मीन से करीब करीब 95% मेरे चांसेस है कि डाटा मेरा यहाँ पे फॉल करेगा, इसे कहते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। और 5% चांस है कि मेरा ना बहुत ही मुझे कोई एक्सट्रीम वैल्यूज़ मिल जाए, इसे कहते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। आगे हम चलते हैं, अब हमारे पास कैलकुलेट द मिनिमम सैम्पल साइज़, तो उसके ऊपर डायरेक्ट आपको फार्मूले के ऊपर ले जाते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये हमारे पास एक सैम्पल साइज़ का फार्मूला है, n इज़ इक्वल टू द जी स्केयर। अब क्योंकि मैंने ये फार्मूलाज, ये जो हाउ टू कैलकुलेट द सैम्पल साइज इज़ अ डिबेटेबल क्वेश्चन, और घंटों इसके ऊपर डिबेट, दिनों में इसके ऊपर डिबेट की जा सकती है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये जो फार्मूला है ये है डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शन स्टडी को का सैंपल साइज जो हमने करनी है, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, हम केस कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कोहॉर्ट नहीं कर सकते, हम लॉन्गिट्यूडनल नहीं कर सकते, हम एक्सपेरिमेंटल नहीं कर सकते, हम कैप नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द टाइम, शॉर्टेज ऑफ द रिसोर्सेज एंड दिस एंड डैट। तो हमने जो डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शन स्टडी करनी है तो उसके अंदर जो हमारे पास सैंपल साइज़ का फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए है वो ये है, एन इज़ इक्वल टू द जी स्क्वायर, जी जो है वो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कह लें आप। देन वी हैव द पी जो है आपका के प्रोपोर्शन इन द टारगेट पॉपुलेशन विच हैव अ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक। अगर आपको नहीं पता कि आपके पॉपुलेशन में क्या पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक है तो मिनिमम आप 0.3 ले सकते हैं, मैक्सिमम 0.5 जिस जो इक्विवेलेंट है 50% के। और क्यू क्या है कि पी के उल्ट है कि पोर्शन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन डैट डू नॉट शेयर द पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स, तो वो आ गया आपका क्यू आ गया। देन वी द डी स्केयर क्या है, वो मार्जिन ऑफ द एरर है, मैंने जो आपको पहले बता दी है।
अब आगे चलते हैं। मोस्ट कॉमनली जो जी स्क्वेयर इस्तेमाल होता है वो होता है 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। आप 90% भी कर सकते हैं, आप 99% भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपनी स्टडी को कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका चांस है कि इधर वैल्यू आपकी फॉल करे मीन के करीब करीब, तो आपको जो एरर का चांस है वो कम आ जाएगा। और डिग्री ऑफ एरर आप अपने स्टडी में रखना चाहते हैं कि 5%, हाँ मुझे यकीन है कि मेरा ना एरर आएगा ही आएगा, तो वो डी स्केयर आ जाएगा। अब कैलकुलेट करते हैं, एग्जांपल दी हुई है, अगर मैं 0.50 लेता हूँ करेक्टरिस्टिक पी की वैल्यू मैं लेता हूँ 0.5 जो कि मैक्सिमम आप ले सकते हैं, तो जी स्टैटिस्टिक्स मैंने 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की, ये पेट वैल्यूज़ होती हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। तो अगर 90% लेंगे जी की वैल्यू तो वो और है अकॉर्डिंग टू द टेबल, और अगर लेंगे 99 तो वो वैल्यू और है। ये जो 1.96 लिखी है स्टैंडर्ड जी स्केयर की जी की वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज़ द 1.96। और हम डिज़ायर्ड एक्यूरेसी चाहते हैं कि डिग्री ऑफ एरर हमारे पास कम से कम हो, तो वो 0.05 के ऊपर ना सेट कर दी है। अब देखें कि यही इसी के अंदर हमारे पास आप पुट कर लें, वैल्यूज पुट कर लें, एन इज इक्वल टू द जी स्केयर पी क्यू डिवाइडेड बाई द डी स्केयर, तो एन 1.96 का होल स्केयर मल्टीप्लाई बाई 0.5 पी आ गया। अब क्यू किस तरीके से निकला है, 1 - 0.5 तो 0.5 ही आ गया, नीचे डी स्केयर आपने ले लिया, तो आपका डिज़ायर्ड सैम्पल साइज़ है 384। अब आप इसके अंदर अपना सैम्पल साइज छोटा करने के लिए जी स्केयर जो है वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 90% कर सकते हैं, पी की वैल्यू 0.3 कर सकते हैं, और डिग्री ऑफ द एरर अगर आप ज़्यादा कर दें तो आपका सैम्पल साइज फिर क्या कहते हैं छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये आप देखें कि सैंपल साइज़ के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको आप बड़ा करेंगे डिनोमिनेटर को तो आपका जो सैंपल साइज़ है वो छोटा होता जाएगा, ये बातें आपने याद रखनी है। और ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं, पहले मैंने 95 ली थी 0.5 ली थी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको कम करते जाएंगे तो आपका फिर सैंपल साइज़ छोटा हो जाएगा। तो आप सैंपल साइज़ अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपकी स्टडी के ऊपर इफेक्ट आएगा ही आएगा। अगर लार्ज सैंपल साइज़ होगा तो वो ज़्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि उसके अंदर एरर का चांस कम होता है। दे ये एक और फार्मूला है, ये डिफ़िकल्ट फार्मूला है, लेकिन बिलीव मी कि ये बहुत अच्छा फार्मूला है, इसके साथ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं सैंपल साइज़। और इसके अंदर देखें कि हमारे पास कितना सैंपल साइज़ आया, 384, और इसके अंदर भी तकरीबन वैल्यू सेम ही आएगी, लेकिन एक ये फार्मूला मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया। अब सैंपल साइज़ एस इज़ इक्वल टू द एक्स स्केयर, ये एक्स स्केयर ये कॉन्फिडेंस इंटरवल ही है, एन का मतलब है एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो एक एरिया में है। फॉर एग्जांपल हम सरगोधा में रहते हैं, तो आप इधर कह रहे हैं कि 25 लाख आबादी रहती है, लेकिन अब फीमेल्स के ऊपर आपने रिसर्च करनी है तो मेल्स का आप नंबर वैसे ही निकाल दे, 12 लाख रहेगी। जिस एरिया में आप स्टडी स्पेसिफिकली करना चाहते हैं उस एरिए की आप एस्टिमेटेड एक पॉपुलेशन एक फर्जी सारा नंबर ले लेते हैं कि यार इस एरिया में 15,000 बंदे रहते होंगे, 20,000 औरतें रहती होंगी, इस तरीके करके। पी आपको वही है, 1 - पी क्यू के इक्वल होता है, तो वो भी सारी चीज़ें यही हैं। डी स्केयर डिग्री ऑफ द एरर एन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, बाकी वो सारी चीज़ें वही हैं, आपने बस इसके अंदर कैलकुलेशन करनी है अपने हिसाब से। अब मैंने जो की है, मेरा प्रेवलेंस ऑफ द सेल्फ मेडिकेशन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस इन सरगोधा, तो ये मेरा स्टडी रिसर्च का टॉपिक, तो मैंने अपना सैंपल साइज यहाँ पे कैलकुलेट किया है। मेडिकल स्टूडेंट्स सरगोधा के अंदर 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो मैंने फर्जी सारा ले लिया कि टोटल स्टूडेंट जितने भी उधर हैं ना वो 3000 होंगे। अब मैंने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस सेलेक्ट किया है 95%, और डिग्री ऑफ एरर मैं 0.05 रख रहा हूँ। ये अपने हिसाब से चीज़ें पॉल्टर्ड कर सकते हैं। तो मैंने ये वैल्यू पुट की 1.96 का होल स्केयर, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 3000 की वैल्यू पुट की, ये पी मैंने 0.4 सेलेक्ट की है, मैक्सिमम 0.5 कर सकते हैं, मिनिमम 0.3, तो मैंने 0.4 की है, क्योंकि मुझे ये अगर अननाउन हो पी की वैल्यू, अगर आपको पता हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता मोस्टली अननाउन होती है, तो आप इन बिटवीन 0.3 to 0.5 सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर 1 - पी ये आ गया, डी स्केयर आपको पता लग गया कि 0.05 का होल स्केयर, बाकी ये सारी चीज़ें मैंने उसी तरीके डाटा पुट कर दिया। अब ये कैलकुलेशन मैंने की है यहाँ पे, ये कैलकुलेशन आपने देख लेनी है, इजी सारी सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेन काम ये था कि पहले को आपने समझना है कि डाटा किस तरीके पुट करना है, और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देन आगे हम चलते हैं, जब ये मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली तो मुझे पता लगा कि मेरा जो सैंपल साइज़ है ना वो 328 है। अगर मैं ये पिछले वाले फार्मूले के हिसाब से करूं तो यहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 1.96 सेलेक्ट किया था, यहाँ पे 0.5 था जो पी की वैल्यू,
और बाकी सारी चीज़ें वही थी। तो देखिए सैम्पल साइज़ आया 384। अगर आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे तो मैंने जब इससे कैलकुलेट किया तो मेरा 328 आया। तो 384 थोड़ा सा ज़्यादा नंबर है, 328 3000 के अंदर से 10% सैंपल बनता है, तो ये सूटेबल है सैंपल मेरे हिसाब से। जो मेरी स्टडी है उसके अंदर 328 जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको इंक्लूड करूँगा। तो अपनी स्टडी को भी आप इस वैल्यू से भी आप क्या करते हैं इस फार्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यू कैन यूज़ दिस फार्मूला टू कैलकुलेट द सैम्पल साइज, इट डिपेंड्स अपॉन योर इंडिविजुअल चॉइसिस। देन आगे चलते हैं। ये तो एक फार्मूला हो गया, एक मेथड हो गया सैम्पल साइज़ कैलकुलेट करने का, एक है रेडीमेड टेबल का मेथड। अब मेन जो अगर किसी ने वीडियो क्विट करनी है या नहीं देखनी वो यहाँ पे भी लीव कर सकता है, लेकिन अगर नॉलेज पर्पस के लिए देखना है कि आप इजीली सैंपल साइज सिर्फ 15 सेकंड के अंदर किस तरीके कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो ये है रेडीमेड टेबल के साथ। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये इसके अंदर नहीं जाता इन सारी चीज़ों के अंदर, बिकॉज ये थ्योरी है, थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ बात। अब रिलेटिव प्रिसीजन फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सिलेक्ट की है, रिलेटिव प्रिसीजन आप देख लें कि हमने इसके अंदर जो की है ई की वैल्यू, डी स्केयर कहते हैं या ई भी कहते हैं ई स्केयर, तो रिलेटिव प्रिसीजन आपने देखनी है कि 0.10 अगर 10 के ऊपर देखें रिलेटिव प्रिसीजन 0.10 ये आ गया। अगर तो आप 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल करते हैं तो आपका सैंपल साइज देखें 364 है। अब इन्होंने भी यही फार्मूला लगाया हुआ है, लेकिन ये रेडीमेड टेबल करके फार्मूला लगा के इन्होंने वैल्यूज़ हर रिलेटिव प्रिसीजन के साथ उन्होंने कैलकुलेट की हुई हैं, आइदर विद द 90% 95%। अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% भी करते हैं, 95% भी कहते हैं और 99% भी करते हैं। तो अगर 0.10 के हिसाब से करें तो अब देखें कि अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो तो 384 85 जो है वो आपका सैम्पल साइज़ आता है। और अगर आप रियलिटी प्रिसीजन को कम करते जाएंगे, यानी कि डिग्री ऑफ एरर आपको क्या कहते हैं ज़्यादा करते जाएंगे, तो आपका क्या होता जाएगा सैंपल साइज़ जो है वो छोटा होता जाएगा, जो कि हम यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर बात करते रहे हैं, ये डिग्री ऑफ एरर, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना आप कम करते जाएंगे सैंपल साइज़ हमारे पास क्या कहते हैं ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि अगर आपने एरर कम करना है तो आपको पॉपुलेशन भी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। सिंपल ये मैथमेटिकल रूल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आपने देखना है। अब सैंपल साइज इधर देखें कि अगर मैं करना चाहता हूँ कि यार मैं डिग्री ऑफ एरर जो है ना वो 0.01 हो जाए मेरा, तो देखें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ फिर वही वैल्यूज़ हैं सारी चीज़ें, सिर्फ मैंने क्या किया है डिनोमिनेटर में डिग्री ऑफ एरर बहुत ज़्यादा कम कर दी है। तो अब मेरा क्या क्या कहते हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर मेरी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, 38,417 आ रहा है। अगर यही मैं 99% श्योर होना चाहता हूँ तो वो हमारे पास देखें 66,000 आ रहा है। सो इस तरीके ये रेडीमेड टेबल होता है, आप अपना डिग्री ऑफ एरर को सिलेक्ट करें, अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल सिलेक्ट करें, सिंपल यहाँ से क्या कहते हैं एक नज़र मारें और आपको पता लग जाएगा मैंने कितने इंडिविजुअल्स अपने शामिल करने हैं। ये इंडिविजुअल चॉइसिस है, आप अपना अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। देन मोस्ट कॉमनली नोमोग्राम मैं आपको नहीं समझाऊंगा, वो एक हायर लेवल एक और कंसेप्ट आ जाता है, वो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड भी है। बहरहाल आप ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला देख लें कि ये कुछ SPSS टाटा सैंपल पावर एंड प्रिसीजन एनक्यूरी एपी इन्फो, दीज आर द डिफरेंट सॉफ्टवेयर विच वी कैन यूज़ टू कैलकुलेट द सैम्पल साइज। सो सैम्पल साइज डिफरेंट वे से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास क्या है कि सैंपल साइज डिटर्मिनेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरी रिसर्च एंड स्टडी। अगर आपको पता ही नहीं है आपका सैंपल साइज़ क्या है तो आप रिसर्च किसके ऊपर करेंगे, हैपेजर तो मूव नहीं कर सकते, बिकॉज रिसर्च इज़ अ वेरी नैरो डाउन प्रोसीजर, क्या बहुत ही अपने ना पर्टिकुलर पॉपुलेशन लेते हैं, पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं, वेरिएबल्स अपने सेलेक्ट करते हैं, क्वेश्चनेयर बनाते हैं, तो डिफरेंट चीज़ें हैं उसके अंदर। अब द लार्जर द सैंपल साइज द हायर द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, एरर का चांस कम हो जाएगा, बट लिमिट क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट। और अगर सैंपल साइज कैलकुलेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला, जो मोस्ट कॉमन फार्मूला है वो है एन इज इक्वल टू द जी स्केयर पी क्यू डिवाइडेड बाई द डी स्केयर। और एक मुश्किल सारा फार्मूला जो बड़े वाला है वो है मुश्किल, लेकिन बात वही है। तो आप डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, रेडीमेड टेबल सबसे आसान काम है, आंसर फिर आपका वही आना है और मेहनत उसके अंदर काम है। सिंपल आप बस आपको डिग्री ऑफ एरर का पता होना चाहिए वो क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल का पता होना चाहिए, पी का पता होना चाहिए वो क्या है, क्यू का पता होना चाहिए, आपका सैम्पल साइज कैलकुलेट हो गया। देन
अभी भी आप कंफ्यूज हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि जो रिसर्च वर्क है वो इंडिविजुअल वर्क नहीं होता, इट इज़ बेसिकली अ टीम वर्क। आपके पास एक टीम होती है, कोई कोई काम कर रहा होता है, कोई डाटा को एनालिसिस कर रहा होता है, कोई सैम्पल साइज कैलकुलेट करता है, कोई उसको टर्निटिन सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करता है, प्लेजरिज्म चेक करता है, कोई उसको सिंपल बाइंड करवा देता है। तो ये रिसर्च में डिफरेंट काम होते हैं। तो अगर भी आप कंफ्यूज हैं तो आप नीचे एक डिवाइस लिखी हुई है, कॉल अ स्टैटिशियन, कि वो उनका काम होता है बायोस्टैट से रिलेटेड, वो सैंपल साइज आपको कैलकुलेट करें, आप काम क्वेश्चनेयर बनाएं, रिसर्च कंडक्ट करें और जो डाटा मिला वो उनको दे दें, वो उसको एनालिसिस करते रहें। तो होप सो यू विल अंडरस्टैंड, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ इट इज रिक्वेस्ट टू काइंडली सब्सक्राइब शेयर लाइक एंड कमेंट ऑन माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर with your colleagues. Thanks very much.